योर नेम एक एनिमे लव स्टोरी है जो कि 2016 में आई है, जिस फिल्म का आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है माकोतो शिनकाई ने। तो मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं मीटियोर अर्थ की तरफ गिर रहा होता है, फिर हम ताकी को देखते हैं जो अभी सो के उठा होता है और अपने नर्व्स फील कर रहा होता है। अगले सीन में हम मित्सुहा को देखते हैं जो कि सो के उठी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताकी उठा होता है। वो नीचे देखती है और अपने बूब्स दबाने लगती है। तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है योत्सुहा, जो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है। मित्सुहा नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती है, वहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि आज तुम काफ़ी नॉर्मल लग रही हो। योत्सुहा कहती है कल तुम बहुत गुस्से में थी। वही न्यूज़ आ रही होती है जाक्सा इस शताब्दी के सबसे बड़े सेलेस्टियल शो की तैयारी कर रहा है। फिर मित्सुहा स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे सयाका और टेसी मिलते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज तुम वापस नॉर्मल लग रही हो। वो उसे कुछ कहती है और सयाका उसे बताती है कि कल वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। मित्सुहा अपने घर पर ग्रैंडमा के साथ ब्रेडेड कॉर्ड्स बना रही होती है। योत्सुहा नाराज होती है कि उसे भी ये काम करना है, जिस पर ग्रैंडमा कहती है हजारों साल पहले इतोमोरी के इतिहास में ब्रेडेड कॉर्ड आया था और 200 साल पहले सैंडल बनाने वाले मायूगोरो के बाथरूम में आग लगने की वजह से पूरा एरिया जल गया। सारी किताबें जिसमें ब्रेडेड कॉर्ड्स बनाने की तकनीक थी वो सारी जल चुकी है। योत्सुहो और मित्सुहा को हम कूची कामेसाकी की रस्म करते हुए देखते हैं, जिसमें वो चावल को खाकर उसे स्पिट करके बॉक्स में लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, जिसे फर्मेंट करने पर शराब बनती है। योत्सुहो और मित्सुहा बात करते हैं, जहां योत्सुहो बोलती है कि क्यों ना हम कूची कामेसाकी बेच के पैसे कमाएं और टोक्यो चले जाएं, जिस पर मित्सुहा गुस्सा हो जाती है और भाग कर जाकर चिल्लाती है मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। सीन कट होता है और हम ताकी को देखते हैं जो कि बिल्कुल मित्सुहा की तरह अपने आप को टच कर रहा होता है। नीचे पेनिस को टच करने पर वो शॉक हो जाता है। ताकी के पापा उसे स्कूल जाने को कहते हैं। सुकासा का मैसेज आता है पर उसे याद ही नहीं आता सुकासा कौन है, और फिर वो स्कूल के लिए निकलता है। बाहर वो टोक्यो का नज़ारा देखता है, तब हमें पता चलता है कि ये मित्सुहा है ताकी के शरीर में। वो स्कूल पहुंचती है मैप की मदद से, पर वहाँ उसे ऑकवर्ड लगता है और वहाँ सुकासा मिलता है। ताकी, सुकासा और उसका तीसरा दोस्त ताकागी तीनों कैफे जाते हैं, जहाँ ताकी का वर्क अलार्म बजता है। अब क्योंकि ताकी की बॉडी में मित्सुहा है तो उसे पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। वो इल ग्यादिनो पहला पैरोल में काम करता था। वो वहाँ बहुत गलती करता है, जिससे कि उसके आसपास के लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया है। एक टेबल पर प्रॉब्लम हो जाती है तो मिस ओकुडेरा वहाँ आकर उसे बचा लेती है, पर जो बंदा उस टेबल पर बैठा होता है वो मिस ओकुडेरा की ड्रेस काट देता है। ताकि जब बाद में ये देखता है तो वो मिस ओकुडेरा की ड्रेस सीव करके देता है। वैसे तो ये सब मित्सुहा कर रही होती है, पर बाकी लोगों को ये नहीं पता होता। मिस ओकुडेरा इस नए ताकी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। ताकी अपने फ़ोन में डायरी मेंटेन रखता था, तो मित्सुहा को पता चलता है कि मिस ओकुडेरा ताकी की क्रश है और वो अपना नाम ताकी के हाथ पर लिख देती है और वो सो जाती है। अगले दिन जब ताकी उठता है तो उसके हाथ पर मित्सुहा लिखा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। मित्सुहा ने सब कुछ जो कल बीता था वो उसकी डायरी में लिखा होता है। जब वो सुकासा और ताकागी से मिलता है तो वो उसे कैफे जाने के लिए पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे काम पर जाना है। सुकासा कहता है कि कल तो तुम काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे थे। काम पर जब वो जाता है तो उसके सारे कलीग्स उससे पूछते हैं कि तुम एक ही दिन में मिस ओकुडेरा से इतने क्लोज कैसे आ गए, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। सेम सीन मित्सुहा के साथ भी होता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों अपने ड्रीम्स में बॉडी स्वैप कर रहे हैं। वो एक दूसरे के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे कि नो बातिंग, नो लुकिंग, नो टचिंग, जैसे कि कौन दोस्त है और कौन नहीं, किससे क्या बात करनी है, और पूरे दिन की रिपोर्ट फ़ोन डायरी में रिपोर्ट करना है, जिससे कि अगले दिन प्रॉब्लम ना हो। पर वो दोनों एक दूसरे को इसके लिए बहुत हेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर भी कर रहे होते हैं। अगले दिन मित्सुहा की बॉडी में ताकी होता है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है कि वो बूब ना दबाए, पर आखिर में वो दबा ही लेता है। और उसी वक्त वहाँ योत्सुहा आ जाती है और वो उसे गुस्से में कहती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, हम बस निकल ही रहे हैं। टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कॉमेट टियामेट अब आसमान में दिख रहा है।
वो बहुत जल्द वीनस को पार करेगा ताकि स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाता है। उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब वो निकलते हैं तो ग्रैंडमा उनसे पूछती है कि क्या वो मुसूबी जानते हैं। वो दोनों को नहीं पता होता, जिस पर ग्रैंडमा बताती है मुसूबी पुराना तरीका है लोकल गार्जियन गॉड को बुलाने का। धागे को जोड़ना मुसूबी है, लोगों को जोड़ना मुसूबी है, कभी टूट कर वापस जुड़ जाना ये भी मुसूबी है। और ग्रैंडमा मित्सुहा को कुछ ड्रिंक करने को देती है और कहती है ये भी मुसूबी है, वो हर चीज़ में है, जो भी चीज़ तुम कंज्यूम करते हो और जो तुम्हारी सोल से जुड़ जाता है वो सब मुसूबी है। ग्रैंडमा कहती है कि ये हमारा बहुत ही पुराना रिवाज है भगवान और इंसान को जोड़ने का। मियामिज़ू श्राइन गॉड की बॉडी के पास पहुँच जाते हैं ये रिवाज करने से। ग्रैंडमा बताती है कि इस पॉइंट के बाद काकुरियो है, जिसे अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं, वो कुची कामे साके जो उन्होंने बनाया था वो वहाँ अंदर रख देते हैं। और जब बाहर आते हैं तो बहुत ही सुंदर सीनरी देखने को मिलती है, जिसे योत्सुहा कातावारे डोकी कहती है। तभी उसे वो कॉमेट भी हल्का हल्का दिखने लगता है। ग्रैंडमा मित्सुहा को कहती है तुम सपना देख रही हो ना, तो ताकि शौक हो जाता है और अपनी रियल बॉडी में उठ जाता है और पता नहीं क्यों रोने लगता है। उसकी डेट होती है मिस ओकुडेरा के साथ और वो डेट के लिए निकल जाता है। शाम के वक्त जब उसकी डेट ख़त्म हो जाती है तब वो अपना फ़ोन चेक करता है, जिसमें मित्सुहा ने नोट्स में लिखा होता है जब तुम्हारी डेट ख़त्म हो जाएगी कॉमेट आसमान में दिखने लगेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो मित्सुहा को कॉल करता है। दूसरी तरफ मित्सुहा के टाउन में बहुत बड़ा फेस्टिवल था और उसी रात कॉमेट भी दिखाई देने वाला था। मित्सुहा अपने फ्रेंड के साथ फेस्टिवल में पहुंचने ही वाली होती है कि तभी कॉमेट आसमान में दिखाई देने लगता है और वो कॉमेट को देखने के लिए आगे बढ़ती है और सीन वहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ ताकि उसे फ़ोन लगा रहा होता है पर फ़ोन कनेक्ट नहीं होता, और उस दिन के बाद से वो कभी भी बॉडी स्वैप नहीं करते। ताकि उस जगह की काफ़ी ड्राइंग्स बनाता है, वो बहुत कोशिश करता है मित्सुहा से कनेक्ट होने की पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो अपनी कुछ ड्राइंग्स लेके मित्सुहा से मिलने निकल जाता है पर उसे एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो कहाँ रहती है। उसके साथ सुकासा और मिस ओकुडेरा भी होती हैं। वो तीनों ट्रेन में निकलते हैं। उस जगह को बहुत ढूंढने के बाद वो तीनों थक हार के एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। वहाँ कुछ देर बाद वहाँ के मालिक उस स्केच देखने के बाद उन्हें बताते हैं कि ये जगह इतोमोरी टाउन है, जो कि आज से 3 साल पहले कॉमेट गिरने की वजह से तबाह हो चुका है। ताकि को विश्वास नहीं होता क्योंकि वो कुछ दिन पहले तक मित्सुहा के साथ बॉडी स्वैप कर रहा होता है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो वो उस लोकेशन पर जाकर देखता है और वो लोकेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो अपने फ़ोन में मेमोज चेक करता है जो मित्सुहा ने नोट डाउन की थी, और वो मेमोज धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। वो तीनों लाइब्रेरी जाकर इस बात पर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो हर जगह यही बात लिखी होती है। ताकि वहाँ पर एक किताब में मरने वालों की लिस्ट चेक करता है जो कि उस कॉमेट के अटैक में मर चुके हैं, तो उसमें उसे मित्सुहा मियामिज़ू का नाम मिलता है। ताकि ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है और एक ही वक्त में ऐसा कैसे पॉसिबल है, सोचने लगता है अगर मित्सुहा मर चुकी है तो क्या ये उसका भूत था जो अभी तक मुझसे स्वैप कर रहा था। वो नाम याद करने की कोशिश करता है पर उसे नाम ही याद नहीं आ रहा होता है मित्सुहा का। ताकि ढूंढते ढूंढते टेबल पर ही सो जाता है। उसके कानों में कुछ विस्पर होता है, ताकि ताकि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, और वो अपने हाथ में बंधा हुआ बैंड देखता है। वो होटल से निकल जाता है और वो अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ता है, यानी कि काकुरियो। वो अपने हाथ में बंधे हुए बैंड को बार बार देखता है पर उसे कुछ याद नहीं आता। उसे ग्रैंडमा की बातें याद आती हैं मुसूबी के बारे में, तो उसे काकुरियो में जाके पता चलता है कि मित्सुहो और उसका टाइमलाइन सिमिलर नहीं था, उसमें 3 साल का डिफरेंस था। तो वहाँ उसे योत्सुहो और मित्सुहा का साके मिलता है। ताकि मित्सुहा का साके उठाकर एक ग्लास में डालकर पी लेता है और प्रे करने लगता है कि क्या उसे एक लास्ट चांस मिल सकता है सब ठीक करने का। ताकि वहाँ से उठ के निकल ही रहा होता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। ताकि का नहीं मित्सुहा का, मित्सुहा के पैदा होने वाला वक्त दिखाया जाता है, मित्सुहा की मॉम की डेथ दिखाई जाती है, मित्सुहा के पापा जब उन्हें छोड़ के चले गए थे और वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने लगे थे तब का वक्त दिखाया जाता है, मित्सुहा और ताकि का बॉडी स्वैप वाला वक्त दिखाया जाता है, और फिर वो आखिरी वक्त दिखाया जाता है जब कॉमेट गिरा था। और ये देख के ताकि शॉक हो जाता है और उसकी नींद खुल जाती है, पर इस बार वो मित्सुहा की बॉडी में था
उसे एक लास्ट चांस मिला होता है तो वो अपना दिन प्लान करता है। टीवी में न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि 7:40 पर कॉमेट विजिबल होगा तो वो अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाता है। वो टीवी देख के प्लानिंग कर ही रहा होता है कि ग्रैंडमा पीछे से आके कहती हैं कि तुम मित्सुहा नहीं हो। ग्रैंडमा बताती हैं कि जब मैं जवान थी तब मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था। तब ताकी को समझ में आता है कि ये मियाँ मिजू की परंपरा है और ये उनके पुश्तों से चला आ रहा है। ताकी ग्रैंडमा को समझाता है कि इतोबुरी टाउन आज शाम तबाह हो जाएगा, पर ग्रैंडमा को कुछ समझ नहीं आता। वो स्कूल जाती है, वहाँ उसे टेसी और सायाका मिलते हैं। वो उन्हें कन्विंस कर लेती है और वो प्लान बनाते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्लान में बॉम्ब से एक धमाका करेंगे और शहर में एक ब्रॉडकास्ट करेंगे जिससे लोगों को यकीन हो जाएगा और उन्हें बताएंगे कि सबसे सेफ जगह इस वक्त स्कूल है तो सब स्कूल की तरफ आ जाएंगे। स्कूल उस वक्त सबसे सुरक्षित जगह थी। तो इतने बड़े प्लान के लिए इस शहर के मेयर मित्सुहा के पापा ही हैं, जिनकी अब मित्सुहा के साथ कुछ खास नहीं बनती। मेयर इस इवैक्यूएशन के लिए मना कर देते हैं। दूसरी तरफ जहां ताकी की बॉडी पड़ी होती है वहां मित्सुहा की नींद खुलती है। मित्सुहा बाहर आके देखती है तो वो शॉक हो जाती है अपने टाउन को डिस्ट्रॉयड देखकर। ताकी भी अंडरवर्ल्ड पहुंचता है, उसे वहां कोई नहीं दिखता और उसे मित्सुहा की आवाज़ आ रही होती है। सेम मित्सुहा के साथ भी होता है, वो दोनों एक दूसरे की आवाज़ को फॉलो करके एक पॉइंट पर मिलते हैं और टॉयलेट की वक्त यानी कि कातावारी डोकी के टाइम दोनों का सिमिलर टाइम आ जाता है और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। स्वैप रिवर्स हो जाता है, वो दोनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। ताकि उसे समझाता है कि अब भी ये सब ठीक नहीं हुआ है, तुम अब भी लोगों को बचा सकती हो। सपने से उठने के बाद वो दोनों को एक दूसरे का नाम याद नहीं होता। ताकी ने अपना नाम तो मित्सुहा के हाथ पर लिख दिया होता है, पर मित्सुहा ने उसका नाम अपने हाथ पर नहीं लिखा होता, जिससे कि उसको उसका नाम ही याद नहीं आता। मित्सुहा वापस प्रेजेंट में आ जाती है। मित्सुहा और तेसी सबस्टेशन में ब्लास्ट कर देते हैं और सायाका ब्रॉडकास्ट में बता देती है कि स्कूल ही सबसे सुरक्षित जगह है इस वक्त, तो सारे लोग स्कूल की तरफ आ जाओ। मेयर को पता चल जाता है कि ब्रॉडकास्ट स्कूल से हो रहा है। पुलिस वहां आके सायाका को पकड़ ली। मेयर को समझाने इस बार मित्सुहा खुद जाती है और अगले ही सीन में मीटियोर गिरना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इतोमोरी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां ताकी बहुत ही डिप्रेस दिखाया जाता है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं होती, उसे मित्सुहा के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। हमें फिर ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि जिस रात मीटियोर गिरा था उस रात इतोमोरो के लगभग लोग बच गए थे। ऐसे कई कोइंसिडेंसेस होते हैं जिसमें ताकी को पता ही नहीं होता वो अपनी लाइफ में ढूंढ किसे रहा है, वो कोई चीज़ है या कोई जगह। या कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी आते हैं जिसमें हमें लगता है कि मित्सुहा अभी भी ज़िंदा है और मित्सुहा और ताकी अपने पाथ क्रॉस कर रहे हैं। एक दिन ट्रेन में ताकी को सामने वाली ट्रेन में मित्सुहा दिखती है। उसे कुछ याद नहीं आता, बस उसे कुछ ट्रिगर होता है और वो उसकी तरफ भागता है। मित्सुहा भी उसकी तरफ आती है। वो दोनों आमने सामने आने के बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो स्ट्रेंजर्स हों। ताकी हिम्मत करके पूछता है, सुनो क्या हम पहले कभी मिले हैं? मित्सुहा कहती है, मुझे भी ऐसा लगता है। दोनों साथ में कहते हैं योर नेम और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।